दोस्तों कल के दिन मतलब कि कल ही मोटोरोला का नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो कि है मोटो जी 10 और मोटो जी 30 दोस्तों। तो दोनों स्मार्टफोन ही अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, अपने बजट में फिट बैठता है दोस्तों, और बहुत ही देख दुख के ये स्मार्टफोन बनाया गया है कि एक तरफ का ऑडियंस को पकड़ने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार का ऑडियंस इसको खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो मोटो जी 10 जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा लाइट वर्सन है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 460 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि सैमसंग का स्मार्टफोन में है, काफ़ी पुराना प्रोसेसर है दोस्तों, लेकिन ठीक है, आप नॉर्मल डेली यूज़ के लिए स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज दोस्तों, ठीक है। और 10,000 के अंदर एक स्मार्टफोन आप लोगों को मिल जाएगा मोटो जी 10। इसमें सबसे अच्छी बात है HD+ डिस्प्ले दिया है दोस्तों, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं दिया है। अच्छी बात जो इसमें मेरे को लगा, 6000mAh का बैटरी इसमें प्लस पॉइंट है एक जो, और उसके साथ ही साथ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है 20W का फास्ट टर्बो चार्ज, मोटोरोला का टर्बो चार्जिंग बोलता है, तो 20W का टर्बो चार्जिंग इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छी बात है दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 20W का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है दोस्तों, अच्छी बात है। और 48MP का आपको कैमरा का सेटअप मिल जाता है दोस्तों, और सेल्फी में आपको 8MP का मिलता है, और इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है HD+ डिस्प्ले, और कुछ खास नहीं है। एंड्रॉयड 11 इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, और एंड्रॉयड 11 इसमें आपको मिल जाता है एकदम, ठीक है। और G30 की बात किया जाए तो दोस्तों G30 में आपको मिल जाता है 64MP का क्वाड कैमरा का सेटअप, 13MP का सेल्फी का कैमरा दोस्तों, 5000mAh का बैटरी, 20W का टर्बो चार्जिंग, और 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 दिया गया है, अपडेटेड प्रोसेसर दिया गया है, अच्छी बात है, ठीक है, चल जाएगा। इसका प्राइस रखा गया है दोस्तों 11,000 के करीब करीब। तो दोनों स्मार्टफोन ही अच्छा स्मार्टफोन है, आप लोग कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो मेरा राय यही है कि आप G30 स्मार्टफोन को ही खरीदें, और अगर आप थोड़ा नॉर्मल यूज़ करते हैं तो G10 को भी खरीद सकते हैं। दोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना चाहिए शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मोटोरोला भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है दोस्तों काफ़ी दिनों से, तो अच्छी बात है।